हाय गाइस, इट्स बॉय अजय रुक्सस हियर और एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज अपन बात करने वाले हैं वापस से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो कि फाइलेट डिवोर को करने ही चाहिए। ये फाइलेट डिवोर के लिए डू और डाई वाली सिचुएशन होगी। अगर इन्होंने सितंबर के मंथ में कुछ कमाल करके नहीं दिखाया तो ये गेम हमेशा के लिए डब्बा बंद हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। तो गैस, मैं आपको उस एरा में लेके चलता हूँ जब हमारे पास जेट पैक हुआ करते थे। तो भाई सही बता रहा हूँ, फील बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, मज़ा आता था गेम खेलने में। लेकिन जेट स्लाइड के बाद बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, गेम खेलने का ही मज़ा नहीं आता। सबसे पहले एक बात आप नोटिस करना कि जब से जेट पैक गए हैं भाई साहब, हर वीडियो पायलट फोर के हर वीडियो पे आपको एक ही कमेंट देखने को मिलेगा, ब्रिंग बैक जेट पैक, हमें जेट पैक वापस चाहिए, हमें जेट पैक वापस चाहिए। हर जगह हर वीडियो पे पायलट फोर के ऑफिशियल चैनल पे यही कमेंट आपको देखने को मिलेगा जो कि बार बार किया जा रहा है। पायलट फोर के डेवलपर्स को यह समझना ही चाहिए कि पायलट फोर में जेट पैक होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेट स्लाइड ये जो फीचर है वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह के फीचर हमें कई गेमों में देखने को मिलता है। जेट पैक ही ऐसी एक यूनिक चीज़ है जो कि किसी और गेम में हमें देखने को नहीं मिलती है। ये इसका कोर मैकेनिज्म है जो कि बरकरार रहना चाहिए। अगर ये बरकरार नहीं रहता तो हमें ऐसा ही लगेगा कि हम पायलट फोर खेल ही नहीं रहे। अगर सितंबर के मंथ के बाद भी हमें जेट पैक नहीं देखने को मिलेगा तो ये सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि भैया इस गेम में फीचर नहीं है, ये गेम डेड है। वैसे तो फाइनल 4 इस टाइम भी डेड है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, एक चार्ट है जो कि पूरा डाटा यहाँ पर शो करता है कि किस टाइम पे कितने प्लेयर लूज हुए थे, गेन हुए थे। यहाँ पर आप देख सकते हो भैया 1000 के आसपास ही एक्टिव प्लेयर अभी फिलहाल फाइनल 4 खेलते हैं। तो फिलहाल देखा जाए तो अभी भी डेड ही है, लेकिन सितंबर के मंथ के बाद ही ये पता चलेगा क्लियरली कि ये गेम गेमिंग कम्युनिटी में टिकेगा या नहीं। देखो गाइस, जब से इंग्लिश क्रिएटर आए हैं मुझे नहीं लगता कि इंडियन क्रिएटर्स के फीडबैक भी लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि भाई इंग्लिश क्रिएटर के जो फीडबैक्स हैं उसे ज़्यादा कंसिडर किया जा रहा है या हिंदी का। मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश क्रिएटर ज़्यादा हैं तो शायद इंग्लिश क्रिएटर्स के ही फीडबैक कंसिडर किए जा रहे हैं, हिंदी क्रिएटर्स तो अभी देखो है ही नहीं देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि उनके फीडबैक्स कंसिडर किए जा रहे हैं। जो वो बोलते हैं उनको देखते ही नहीं है, नज़रअंदाज कर देते हैं फुल्ली। मैं आप सभी से, जितने भी क्रिएटर्स हो, आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी आप कंटेंट बनाते हो इंग्लिश या हिंदी वॉइस ओवर में आप वीडियो बना कीजिए, इससे कि इंगेजमेंट बढ़े और ये गेम को जिंदा रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा तरीका है जो कि हर कोई यूज करता है। BGMI PUBG मोबाइल में आप आराम से देख सकते हो भाई, फ्री फायर में भी आप आराम से देख सकते हो। वो क्यों जिंदा है? वो इसलिए जिंदा है क्योंकि उनके क्रिएटर्स ने वो इंगेजमेंट दिया जो कि एक ऑडियंस, एक प्लेयर को चाहिए। अगर आप ऐसे ही गूंगे बैठे और वीडियो बनाएंगे तो भाई वो इंगेजमेंट बढ़ाएगा नहीं और वो गेम को डुबाने में ही काम करेगा। CODM में भी ऐसा ही हुआ था, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, मैंने जिंदा देखे हैं वो सारे उदाहरण। इसलिए मैं आप सभी को बता सकता हूँ कि भाई अगर आपको इस गेम को जिंदा रखना है तो एटलीस्ट आप एक कम्युनिटी बिल्ड करो। वो कम्युनिटी ऐसे नहीं बिल्ड होगी, आपको एक साथ रहना पड़ेगा और साथ में कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। इसी के साथ भाई आपको वॉइस ओवर हिंदी या इंग्लिश में करना पड़ेगा अगर आप कंटेंट बनाते हो। देखो ये मेरी रिक्वेस्ट है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप भैया ये ही चीज़ करो, मेरे मुताबिक सारी चीज़ करो। आप फ्री हो, आप जो भी करना चाहते हो जैसे भी कर सकते हो। देखो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि बिना वॉइस ओवर के कंटेंट क्रिएट करते हैं, मेरा किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि फाइनल 4 का ये लास्ट चांस होगा सितंबर मंथ में, ये डिसाइड करेगा कि ये गेम जिंदा रहेगा या नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी मौका हम चूक नहीं सकते, जो भी मौका अपने को ये मिलेगा इस बार हमें चूकना नहीं है भाई बिल्कुल भी। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि सारे लोग एक साथ हो जाएं, छोटे मोटे बड़े सारे क्रिएटर्स एक साथ हो जाओ। अगर ये मौका चूक गए तो बस चूक ही जाओगे। वैसे तो ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता कि भाई हिंदी क्रिएटर्स के फीडबैक कंसिडर किए जा रहे हैं नहीं, लेकिन मैं फिर भी डेवलपर्स को अपनी ओर से कुछ फीडबैक देना चाहता हूँ। होप कि वो इन फीडबैक को कंसिडर करें, सितंबर मंथ में ये सारे जो प्रॉब्लम हैं वो फिक्स हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले
प्रॉब्लम है ऑप्टिमाइजेशन की, तो हाँ गेम में ऑप्टिमाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है। हर बार कहीं ना कहीं कुछ अपने को बग देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा घटिया चीज़ है। सितंबर के मंथ में इन्हें फिक्स करना ही चाहिए। अगर ये बहुत बड़ा अपडेट है तो भाई इसकी लाज रखने के लिए ऑप्टिमाइजेशन तो होना ही चाहिए। इसके साथ लेग एंड फ्रेम ड्रॉप का इशू भी फिक्स होना चाहिए। गाइस यहाँ पर iPad 9 जेन में मेरे पास ये गेम बहुत ही ज़्यादा लेग होता है, तो iPad 9 जेन में भाई क्या ऐसी प्रॉब्लम है, डेवलपर्स को खोजना चाहिए और इस क्रैश इशू को फिक्स करना चाहिए। अगर इस गेम को रिवाइव करना चाहते हैं तो जेट पैक को वापस लाना पड़ेगा। यही एक ऐसा तरीका है जो कि इस गेम को वापस से पुनर्जीवित कर सकता है। और आखिरी है एडवर्टाइजमेंट। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि भाई धीरे धीरे इंडिया में ये गेम फ्लॉप होता जा रहा था। ये इसका कारण एक ही है, वो है एडवर्टाइजमेंट। डेवलपर्स ने ये खुद माना है, खुद ही कहा है कि भाई हमने एडवर्टाइजमेंट रन ही नहीं किए इंडिया में कई सालों से। तो भाई यहाँ पर सीधा सीधा सिंपल समझ यही है कि भाई जब एडवर्टाइजमेंट ही रन नहीं हुआ इंडिया में तो ये गेम पॉपुलर कैसे होगा। बाकी देशों में जैसे भाई ईयू और एनए जैसी कंट्रीज हैं, वहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट रन किए थे। मेरे पास कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर इस वीडियो में आप दे सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट रन हुए थे, लेकिन इस तरह के एडवर्टाइजमेंट अपने इंडियन कंट्री में नहीं देखने को मिला। ये सीधे सीधे ही इंडिकेट करता है भाई एडवर्टाइजमेंट ही रन नहीं होगा तो इंडियन ऑडियंस कैसे जुड़ेगी। तो होप कि सितंबर मंथ में बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट ये रन करें इंडिया में, ये एडवर्टाइजमेंट रन करें और ये गेम सही बता रहा हूँ एक हाइप क्रिएट करेगा और एक ऐसे नंबर पर जाके पहुँचेगा जो कि BGMI और फ्री फायर हुआ करते हैं। वो एडवर्टाइजमेंट होगा ही, ये मैं कन्फर्म नहीं हूँ, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन जैसे कि डेवलपर्स द्वारा हाइप क्रिएट की जा रही है इस वर्जन की, तो हाँ अगर एडवर्टाइजमेंट होगा तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट अपने को देखने को मिलेगा फॉलोडेट 4 के अंदर। तो गाइस ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन फॉलोडेट 4 से रिलेटेड जो कि मुझे आप सभी को देनी थी। तो होप कि गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया था लाइक करें, चैनल पर प्रिपेयर है तो सब्सक्राइब करें। मैं हूँ अजय, हम देख रहे हो जो रुक्स वाइट यूट्यूब चैनल में। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।